मध्य प्रदेश के मामा जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे लालकुआं, जहां उत्तराखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम कुछ ही दिन बचे हैं। इसके मद्देनजर भाजपा पार्टी के स्टार प्रचारकों का आवागमन अभी जारी है। चुनावी दौरों के चलते आज मध्य प्रदेश की जनता में मामा जी के नाम से प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लालकुआं पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरते ही बच्चों ने स्वागत किया। वहीं लालकुआं विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रम होने हैं। लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत को टक्कर देने के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों को लगातार लालकुआं विधानसभा में जनसंपर्क की बागडोर दी। वहीं आज शिवराज सिंह चुनाव को चलते जनसंपर्क के लिए लालकुआं पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाजपा के लालकुआं विधानसभा प्रत्याशी की तारीफों के पुल बांधे, तत्पश्चात पूरे शहर में जनसंपर्क किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत कई बार हार चुके हैं और इस बार भी हारने की तैयारियों में है। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। जनता भाजपा के साथ है तथा हरीश रावत हारने वाले हैं। जन सेवक सच्चा साथी जनता का मोहन सिंह जीतेंगे। ये हरीश रावत तो रण छोड़ दास है, मैदान छोड़ छोड़ के भगते है। कांग्रेस नेता ऐसा होता है जो एक क्षेत्र से लड़ता है, ये तो हर बार क्षेत्र बदलते हैं, दो दो क्षेत्रों से हार चुके हैं पिछली बार। जनता